हेलो दोस्तों, मेरे पास फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है वीवो Y20A है। तो इसको दोस्तों आज हम बताएंगे दोस्तों हार्ड रिसेट करने के बारे में कि हार्ड रिसेट कैसे किया जाता है वीवो Y20 का। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, पावर ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ से है ये पावर ऑफ, पावर बटन तो दबा कर रखेंगे, यहाँ पे पावर ऑफ कर दिए। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे इधर के साइड में जो है आपको तीन बटन देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट टाइम है जिसके पावर बटन, वैल्यूम डाउन बटन और वैल्यूम अब बटन। तो यहाँ पे तीन बटन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो वैल्यूम अप बटन है, वैल्यूम अप बटन उसको दबाना है और फिर पावर बटन है उसको दबाना है। तो जैसे हम यहाँ पे दबा दिए दोस्तों, और अब जो है इसके पावर बटन मैं दबा रहा हूँ, तो दबा दिए पावर बटन। और जैसे यहाँ पे वीवो का लोगो आएगा तो इस टाइप के जो है इसके छोड़ देना है, और अभी भी इसको दबा के रखना है, अभी इसको भी छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आता है, रिकवरी सिस्टम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे टच काम नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूम डाउन बटन से नीचे आएंगे। नीचे आ गया दोस्तों, अब यहाँ पे पावर बटन से जैसे कि इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे कि देखिए यहाँ पे किस प्रकार का इंटरफेस आता है। देखिए कुछ इस प्रकार सा अति आ जाएगा। अगर इसके पास सिस्टम वाला आएगा तो सिस्टम से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे टच काम करेगा तो टच पे। जैसे यहाँ पे क्लियर कैचअप पे डाटा किया, फिर यहाँ पे जो है देखिए बार बैक करके भी दिखा दे दोस्तों, क्लियर डाटा पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लियर डाटा पे क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा, क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक किए, फिर यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर दी और यहाँ पे जो है सिर्फ मेरा फ़ोन हार्ड सेट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, रिटर्न आ जाना। तो रिटर्न हम आ गए, यहाँ से बैक कर लेते हैं और फिर यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। लीजिए बात।